नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो बिना समय गंवाए हुए आगे अपने करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। ये उनके लिए है जो अपना समय गंवाए बिना, मतलब हमेशा मेहनत करने में लगे होते हैं और उनको एक लक्ष्य आगे चुन के रखते हैं। तो ऐसे क्या है, अगर आप हमेशा कोशिश करते रहोगे, अगर ट्राई एंड ट्राई अगेन, अगर हम कोशिश करते रहते हैं तो क्या होता है कि अगर आपकी कोशिश है, लगातार चल रही है, तो आप कभी कभी जीतोगे, कभी कभी मैक्सिमम जीत जाओगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर हार गए तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, आप एक अच्छा मतलब एक सीख ले सकते हो। लेकिन वही होता है ना, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो सफलता पा लेते हैं। लेकिन अगर कोई कोशिश ही नहीं करता है तो क्या है, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमेशा जो कोशिश करता है ना, वो कभी भी मतलब घाटे में नहीं जाता है, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा कोशिश का। तो अगर एक बहुत अच्छी कोई बंदा तैयारी कर रहा है, तो अगर वो जॉब नहीं पाया और उसने मान लीजिए किसी तरह से उसका जॉब नहीं है, मतलब कोई एग्जाम में पास नहीं हो पाया, लेकिन उसने बहुत तैयारी की, बहुत किताबें पढ़ी है, तो क्या उसको किताबें काम नहीं आएंगी? वो आ सकती है, उसकी कोई दूसरी कमी रही हो, किसी एक सब्जेक्ट में कमी रही हो, दूसरे सब्जेक्ट से वो किसी को पढ़ा सकता है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पास ही हो, लेकिन अगर कोशिश करोगे और मेहनत करोगे ना, तो आपको मेहनत काम जरूर आएगी। तो कभी कभी हम जीतते हैं, लेकिन कभी कभी हम सीखते हैं। तो ये बात याद रखना, कोशिश हमेशा जारी रखना, कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, और किताबों से हमेशा दिल लगा के रखो, ये हमेशा आपको साथ देती हैं। तो कल के जो क्वेश्चंस देख लेते हैं, थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो थीम क्या थी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की 2020 की? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है मेटर्निटी अमेंडमेंट बिल 2017, मेड अमेंडमेंट इन मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। कौन से एक्ट में ये मतलब अमेंडमेंट किया था कि महिलाओं को एक तो जो मेटर्निटी लीव थी वो बढ़ा दी थी, तथा जो 50 से ऊपर कार्यकर्ता हैं उसमें जो क्या है, शिशु गृह होना चाहिए। तो ये मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में अमेंडमेंट किया गया था। इमीडिएट कॉज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च बाई महात्मा गांधी। जो इमीडिएट कॉज क्या थे, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, एसओएनएल था, उसके इमीडिएट कारण क्या थे? तो एक तो रोलक्ट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से उन्होंने तुरंत ही नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चालू कर दिया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साइन एक डील साइन की थी रिलायंस के साथ पावर प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो बांग्लादेश में स्टैब्लिश करने के लिए की गई थी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने साइन किया था एमओयू सप्लाई ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल सप्लाई करने के लिए, तो आईटीबीपी के साथ साइन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो एट जो कोर इंडस्ट्री है उनमें सभी में लगभग क्या है, अभी नेगेटिव ग्रोथ मिली थी, लेकिन केवल एक जो इंडस्ट्री थी उसमें पॉजिटिव ग्रोथ थी, वो थी फर्टिलाइजर। क्योंकि इस बार मतलब किसानों की आय भी अच्छी रही है, फसल भी अच्छी रही है, और इसी के साथ फर्टिलाइजर भी बिका है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी इज बॉडी ऑफ, तो ये 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, जिसको यूनाइटेड नेशन क्या है कंस्टिट्यूट करता है। आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से और जो ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल जो कमीशन है उससे इसको कंपेयर मत करना, ठीक है? ये दूसरी चीज़ है। वास्टिंग क्या होती है, जो न्यूट्रिशन में एक लो वेट होता है एज पर हाइट और एज। अगर किसी बच्चे की हाइट और एज के हिसाब से उसका वजन कम है तो उसको वास्टिंग बोला जाता है। एंड सीबीएसई फिल्म इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर क्या है? सीबीएसई में फिल्म इंडस्ट्री में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको एक लेटर दिया है, ओपन लेटर, कि अब कोई भी अगर आप डिफेंस के ऊपर कोई मूवी बनाओगे, डिफेंस के कंटेंट पे मूवी बनाओगे, तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। क्योंकि हाल ही में आपको पता है एकता कपूर ने एक जो वेब सीरियल बनाया है उसमें जो डिफेंस आर्मी की जो यूनिफॉर्म है उसको क्या है उसके साथ अभद्रता की है, तो इसी के चलते बहुत सारी शिकायतें मिली थी। तो ये याद रख लेना, और इसको आप इससे जोड़ सकते हो राइट टू फ्रीडम, वो क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह से। और फ्रीडम जो फ्रीडम है उसको आप ऐसे नहीं है कि आपके पास फ्रीडम है तो आप हर कुछ दूसरे के सेंटीमेंट को हर्ट कर सकते हो। आपके अपने जो सभी भी वर्ड में है, जो फंडामेंटल राइट्स में भी ये लिखा हुआ है कि आपको फ्रीडम है, लेकिन आपके फ्रीडम वहीं तक लिमिट है, आपकी लिमिटेड है जब तक वो आप तक है। अगर आपके जो राइट्स का जो एरिया है दूसरे के एरिया में, दूसरे के एरिया में मतलब कवर कर रहा है, तो वो आपके राइट कर्टेल्स हो सकते हैं। तो वो यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप अपने तक रखिए, चाहे कोई कुछ भी हो उसमें। तो और इसमें ये बात ये है कि ये एक जर्नलिज्म का दूसरा टॉपिक नहीं है, जर्नलिज्म ऐसी चीज़ें नहीं करता है। आप वेब सीरीज बना रहे हो जो एक रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, जिससे आप दूसरों के सेंटीमेंट्स हर्ट करते हो। नेक्स्ट है लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टाब्लिश बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसके कंट्रीब्यूशन की दिया? तो ये क्या हुआ, जो अभी पावर प्लांट बनाया जा रहा था
जो बांग्लादेश में रिलायंस के थ्रू, उसमें तो $200 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया था ना, उसी में ये एक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टैब्लिश किया गया था कि अगर कोई फाइनेंशियल गैप होता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरा रुपया नहीं दे पाता है, तो आप उसको मतलब उस रीजन में डेवलपमेंट प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप यहाँ से भी पैसा ले सकते हो। तो ये किसका कंट्रीब्यूशन जैसे बनाया गया है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लिया अगर पूछा जा सकता है। तो चलो आज की न्यूज़ देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये मैंने बताया था कि मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें भी आज के दिन में जो आज हिस्ट्री में हुआ है, घटा है कुछ भी, उसको भी लाता रहूँगा कि आपकी चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज होती रहेगी। जैसे हिस्ट्री की होगी कि आज हिस्ट्री में क्या था, तो उससे 2 दिन रिलेटेड आपसे हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी। तो आज ही के दिन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था वो आज पास हुआ था 2 अगस्त 1858 को। तो अब 1858 के आप सुन सकते हो, तो 1858 में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट एक्ट 1858 लागू किया गया था। अब किसके लिए लागू किया था वो भी बताइए। तो इसको आप जोड़ सकते हो कि गवर्नमेंट, एक गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये एक्ट किसके लिए था, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसको कन्फ्यूज नहीं करोगे किसके साथ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्ट 1919 था। तो ये चीज़ें भी याद रख लें, थोड़ा सा गुड गवर्नमेंट एक्ट किसके लिए था और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन सा था। तो ये दोनों चीज़ों में आप पूछा जा सकता है कभी भी। तो क्या था, लिक्विडाइजेशन ऑफ बीस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लिक्विडाइज करने के लिए, क्योंकि वो एज ए ट्रेडर कंपनी आई थी और वहाँ यो यहाँ पे एक तानाशाह बन गई थी, तो उसी के जो अफेयर्स थे उनको कम करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अब रीजन उसमें क्या हुआ था, तो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंट्रोल था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था किसको, जो ब्रिटिश का क्राउन था मतलब महारानी को, उसका जो सारा कंट्रोल महारानी को दे दिया था कि गवर्नमेंट अभी सारा काम करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी थी। तो ये सब कुछ क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय एक क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, जिसने सबको हिला के रख दिया था। तो उसी के बाद ये स्टेप उठाने पड़े कि ऐसा अभी अब राज नहीं कर सकते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तानाशाही है अभी भारत में चलने वाली नहीं है। तो एक गुड गवर्नमेंट का एक्ट लाया गया जो 1858 था, इसमें कुछ चीज़ें हुई थी वो भी आपको बता देता हूँ, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो चेंज क्या होता है, गवर्नर जनरल जो इंडिया, जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल इंडिया वायसराय कहलाने जाएगा। तो सबसे पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड केनिन सबसे पहले वायसराय थे, तो ये भी याद रख लेना। एक एक ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लो पावर मोड की वजह से। एंड डबल जो एंड डबल गवर्नमेंट थी वो एंड हो गया था, मतलब डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चला था 1800 1784 में, तो वो भी अभी हटा दिया गया था। तो उसमें डबल गवर्नमेंट में क्या था, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी थी, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो कमर्शियल बॉडी थी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी कंपनी के अफेयर देखेगा कमर्शियल, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो सारे के देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो ये दो चीज़ें जो पुरानी 1800 1784 में थी वो अभी बंद कर दी गई थी, और एक नई बॉडी क्रिएट की गई थी, उसका नाम था ऑफिशियल ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम देखेगी, और वो कहाँ, ब्रिटिश इंडिया में मतलब इस्टेब्लिश होगी। तो साथ साथ में क्या, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक काउंसिल भी होगी, 15 मेंबर की काउंसिल इस्टेब्लिश की थी। तो तीन चार चार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कभी कभी आप क्या रिवाइज करते रहा करो हिस्ट्री में, और मैं डेली रिवाइज कराता रहूँगा आपको। नेक्स्ट है एरियल सीडिंग। दो एरियल सीडिंग क्या, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी क्या रिसेंटली क्या एम्प्लॉयड किया, मतलब क्या एरियल सीडिंग टेक्निक एम्प्लॉय की है कि जो अरावली का जो एरिया है ना उसको ग्रीन कवर करने के लिए। तो अभी अरावली जैसा बहुत एक पूरा का पूरा पहाड़ी हो गई, बड़ी जहाँ बड़ी जगह हो गई, वहाँ पे एक एक पौधा आप लगा के जाओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा लेबर लगेगा और वो इम्पॉसिबल है एक तरीका। और दूसरा पहाड़ी इलाका भी है, तो वहाँ पे पहाड़ पे जाना और एक तरह का मतलब वो अनएक्सेसिबल एरिया हो गया, तो उसी के लिए एरियल सीडिंग का काम किया गया। तो एरियल सीडिंग क्या होता है पहले बता देता हूँ, ये प्लांटेशन टेक्निक है ये एरियल सीडिंग। उसमें क्या है, जो सीड बॉल्स होते हैं जो कवर्ड विथ मिक्सचर ऑफ क्ले कंपोस्ट चार अदर कंपोनेंट्स, जो सीड होते हैं ना वो इन चीज़ों से कवर किए जाते हैं मतलब अच्छे से, तो कि उनका एक तो उनमें वेट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर वेट फॉर सीड है ना, टू ड्रा ऑन फ्री डिटरमाइन लोकेशन। अब क्या है कि अगर एक सीड को आप अगर हवा में फेंकोगे तो उसको पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा वेट दे देते हो तो आपको अगर कुछ पता लगना कि हमें इस नीचे इस जगह पे फेंकना है और यहाँ से फेंकना है, तो अगर उसमें वेट रहेगा तो आपको प्री डिटरमाइंड उस ट्रेवल के साथ वो वहाँ पे आ जाएगी। अगर वो हल्का रहेगा सीड तो वो कहीं पे भी जा सकता है। तो एक दो काम हो जाते हैं, तो एक तो उसको वेट देने के लिए कि ये ऐसे जहाज जा रहा है और आपको इस पहाड़ी पे वो एरियल सीड फेंकने हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ से वो फेंकेंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। और दूसरी बात क्या, अगर वेट रहेगा ना तो वो क्या ऊपर से ऊपर नहीं, जमीन के ऊपर ही नहीं रहेंगे, वो ज़मीन में जो मिट्टी में थोड़ा थोड़ा धंस जाएंगे। जैसे ये हो गया एरियल सीड हो गया, तो ये गिरेगा और नीचे ज़मीन में धंस जाएगा, जिससे क्या होगा
बहुत लार्ज एरिया कवर किया जाएगा एक जहाज एयरक्राफ्ट से, ये एक एयरक्राफ्ट जा रहा है इसे, ठीक है, और ये पहाड़ी का इलाका है, तो इस पे क्या है कि वो एयरक्राफ्ट एरियल सीडिंग कर देगा इसे, तो पहाड़ी में जगह जगह वो छोटे छोटे बीज है ना ज़मीन में धंस जाएंगे, ताकि वहाँ पे फिर क्या है जब बरसात अच्छी बरसात हुई है तो ना तो वो उग जाते हैं, तो एक अच्छी खासी एक मतलब फॉरेस्ट ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। तो ये क्या जब अगर स्पोर्ट वेन एनफ रेन, जब वहाँ पे बहुत सारी रेन हो चुकी है, तो एक तो रेन होती है तो क्या होता है कि एक तो मिट्टी भी वहाँ की सॉफ्ट हो जाती है, ताकि जो भी अगर एरियल सीड में जो बीज फेंकते हैं ना वो क्या है ज़मीन में धंस जाते हैं, और दूसरा उनको पानी न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है स्पीशीज़ के वो जो जो सीड होता है उसकी स्पीशीज सेलेक्ट की जाती है, एक तो उस जो एरिया होता है ना उसकी नेटिव सीड होते हैं, अब नहीं है कि मुझे अरावली में बीज पेड़ उगाना है और मैं कश्मीर का सेब ला के उगा दूँ और वहाँ नारियल का बीज फेंक दूँ, तो वो उगेगा ही नहीं, वो उससे नेटिव नहीं है वहाँ पे। तो एक तो नेटिव होगा, जैसे हम ज़्यादातर राजस्थानी इलाके में क्या एरियल सीडिंग करते हैं, बबूल हो गया, नीम हो गया, ऐसी एरियल सीडिंग की जाती है ना, तो ये चीज़ें होती है। और वे हार्ड ही होना चाहिए कि मतलब बीज थोड़ा हार्ड में होना चाहिए, जिसके कारण क्या है कोटिंग किया जाए और उसको अप्रोप्रियट साइज दी जाए, अगर एकदम हल्का मिर्च जैसा बीज होगा तो वो जमीन तक पहुंचेगा ही नहीं, तो ऐसा बीज भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा मोटा हो, मिर्च का बीज तो देखा ही होगा ना आपने, तो वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए कि उस पर एक तो सीडिंग की जा सके और दूसरा वो ज़मीन तक पहुँच भी सके और उसकी बॉल बनाई जाएगी, और दूसरा तीसरा हो गया हायर सर्वाइवल हो गया। अब कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो क्या है ऐसे जो अरावली जैसी कंडीशन हो गई वहाँ पे मतलब ज़्यादा बरसात नहीं होती, उसमें भी क्या वो सर्वाइव कर जाते हैं, जिनकी बाद में क्या है जड़ें नीचे चल जाती है, और कुछ पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ सर्वाइव करेगी, कौन सा पौधा सर्वाइव करेगा, पहाड़ी इलाके में कौन सा पौधा सर्वाइव करेगा, तो ये सब कुछ ध्यान में रखिए ये एरियल सीडिंग की गई है ताकि फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जा सके, और अभी बरसात भी अच्छी हो रही है तो ये एक अच्छा स्टेप है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि एक अनएक्सेसिबल एरिया, जैसे मैंने बताया था कि पहाड़ी इलाका है दूर दराज में, क्या है कि हर आदमी पहाड़ पे मतलब पहुंच नहीं पाएगा, तो वहाँ पे भी आप एरियल शेडिंग कर सकते हो अगर जहाज से आप एरियल शेडिंग कराते हो। दूसरा लेबर रिड्यूस, अब लेबर हो जाएगा आप कितने, अगर नॉर्मल आप लेबर के साथ पेड़ पौधे उगाओगे तो वहाँ पे खड्डा खोद खोद के आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब लेबर कॉस्ट लग जाएगी, तो वो बहुत मतलब एक वो हो जाएगी कॉस्टली हो जाएगी, तो उससे भी बचा जा सकता है, वो भी एक एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑनलाइन ऑडिट ऑफ पंचायत फंड्स, जो अभी ऑनलाइन ऑडिट ऑफ पंचायत फंड्स किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, तो ये याद रख लेना ऑनलाइन ऑडिट कौन कर रहा है, पंचायती राज अभी कर रहा है, तो ये कंडक्ट करेगा 20% ऑफ टोटल एस्टिमेट 2.5 लाख, तो 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनमें से 20% का अभी ऑनलाइन ऑडिट करेगा 2019-20 वाला, और जो पुराने का कवर हो रहा है ठीक है, और 2020-21 में ये पूरा लगभग पूरे का ऑडिट कवर कर लेगा। अब सबसे ज़्यादा फोकस क्या होगा जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है, तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है तो वो कैसा यूज़ किया जा रहा है पंचायतों के द्वारा, तो ये ऑडिट किया जाएगा। तो आपको भी पता है ग्रांट कितने तरह के, फाइनेंस ग्रांट हो गई, फिर स्टेट की जो फाइनेंस ग्रांट हो गई, और क्या है एक एड होती है, तो ये चीज़ें होती है। आप फाइनेंस ग्रांट में क्या होती है, एक तो टाइड ग्रांट होती है और दूसरी नॉर्मल ग्रांट होती है। टाइड वाली होती है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है आपको फिक्स है कि आपको इन्हीं पर काम करना है, मतलब जैसे सैनिटाइजेशन वर्क हो गया, वाटर वर्क हो गया, तो ये चीज़ें होती है, और दूसरा होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम, तो ये ग्रांट भी आप याद रख लेना थोड़ा सा। और साथ साथ में ये भी देख लीजिए नेशनल पंचायती डे कब है, और पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये कुछ चीज़ें आसपास आ जाती है, तो याद रख लेना नेशनल पंचायती राज डे कौन से कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है नर्तेसा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न, जो ये एक जो आइडल का जो मूर्ति है वो अभी इंडिया में वापस लाई गई है, कैसे ये सॉरी आर्ट है, आर्ट है सेंड स्टोन आइडल, जो ये सेंड स्टोन का आइडल है वो इंडिया में रिटर्न हुआ है 22 साल बाद में, कब कैसे वो यहाँ से स्मगल आउट मतलब स्मगल कर दिया गया था, चोरी करके उनको बाहर बेच दिया गया था, कि ये इनको अगर जो पुराने होते हैं ना जो बहुत ही दुर्लभ चीज़ें होती हैं वो बहुत रुपए में बिकती है, तो लोग क्या इनकी चोरी करके बाहर बेच देते हैं, तो ये 1998 में ये चोरी करके बाहर बेच दिया गया था। ये स्मगलिंग का काम आज भी बहुत होता है, आप देखा 2006 से ले 2002 से लेकर 6 के अंदर में लगभग 100 के ऊपर ज़्यादा ये आइडल चोरी हो गए थे, ठीक है। तो ये कहाँ से कौन से टेम्पल से ओरिजिनली कौन से टेम्पल से थे, घाटेश्वर टेम्पल ऑफ बारौली राजस्थान का, तो ये चीज़ें याद रख लेना कौन सा टेम्पल का था, घाटेश्वर टेम्पल बारौली राजस्थान, और ये डिपिक्शन किसका था शिवा, तो ये भी याद रख लेना किसका, ये नाटेश्वर टेम्पल किसका डिपिक्शन था शिवा का, कौन से टेम्पल से था घाटोली, और 19th सेंचुरी स्टाइल कौन सी थी प्रतिहारा स्टाइल का था राजस्थान की, जो प्रतिहारा स्टाइल था 3-4% यहीं यहीं पे बन जाते हैं इन इन लाइन में 3-4% बन जाते हैं, ठीक है, तो प्रतिहारा स्टाइल का था। तो अब ये कैसे लाया गया, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, ये एक इंडिया का प्राइड प्रोजेक्ट है, ग्रुप ऑफ आर्ट एंथुसिएस्ट, ये एक एंथुसिएस्ट का एक ग्रुप है जो सोशल मीडिया है ना उसको यूज़ करता है। अब कहीं ना कहीं जब अगर आपको पता है कि सोशल मीडिया में हर कुछ शेयर होती है, तो इन्हें सोशल मीडिया का अच्छी तरह यूज़ किया, अब वो सोशल मीडिया में खोजते रहते हैं इंडियन आइडल्स का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बिक रही होगी, मतलब आप कोई चीज़ चोरी करके गए उसको कहीं ना कहीं तो बेचेगा ना,
तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें न्यूज़ में कहीं ना कहीं से दिखाई दे जाती है, तो उसको सोशल मीडिया को ये यूज़ करते हैं कि जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो इंडिया के जो जो स्टारल जो रिलीज आर्टिफैक्ट है उनको आइडेंटिफाई करेंगे सोशल मीडिया पे कि ये भारत का है, कहाँ से, उसको मैच करते हैं कि हाँ ये चीज़ें चोरी हुई थी, फिर उनको लाने में हेल्प करते हैं। तो ये को फाउंडेड किया गया था 2014 में सिंगापुर बेस्ड, जो सिंगापुर बेस्ड नहीं बेस्ड है ना, वहाँ पर रहते हैं वी एस विजय कुमार और अनुराग सक्सेना। ठीक है, तो ये भी चीज़ें भी देखनी चाहिए। भारत से चले गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भारत में नहीं है, कि मेरा दिल भारत के लिए अभी भी धड़कता है, तो ये वहाँ जाके भी देश के लिए मतलब देश की एक जो एक कल्चर है उसको रिवाइव करते रहते हैं, देश के लिए क्या 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 कर रहे हैं। तो ये हमेशा हमें अपने देश के प्रति लगाव रहना चाहिए कि मैं जहाँ रहूँ तेरी याद मेरे साथ है। वही है बात कि मैं जहाँ पर भी रहूँ लेकिन मेरे देश की जो सुगंध है, मेरी को मिट्टी की जो सुगंध है, हमेशा साथ रहनी चाहिए। आदमी तो एक मतलब पंछी है, इधर उधर घूमता रहता है लेकिन घर हमेशा ही याद रहना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना कि अपने देश से सदा लगाव रहना चाहिए और अपने देश को हमेशा ही ऊंचा लेके जाना चाहिए। तो मैं एक बार फिर इन बंदों को सैल्यूट करता हूँ। छोटा सा भी काम, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इन बंदों ने बहुत अच्छा काम किया है ऐसी चीज़ की, जो जो आर्ट के वजह से तो देश को रिप्रेजेंट करती है ये चीज़ें। ठीक है, तो इन बंदों ने बहुत अच्छा काम किया, इनको फिर से मेरे लिए मेरे से दिल से सैल्यूट है इनको। तो आप भी याद रख लेना जहाँ पे भी रहो, लेकिन हमेशा देश और घर को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका साइन MOU टू सपोर्ट वियतनाम फिशरमैन, जो वियतनाम अगेंस्ट चाइना इंटीमिडेशन। क्या चाइना बार बार, क्या जो ये वियतनाम है आप देखते हो, ये वियतनाम है ठीक है, और इस साइड ये यहाँ पे भारत है, ये बांग्लादेश हो गया ऐसे है, और ऊपर चाइना है, ये फिलीपींस हो गया, ये हो गया साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ये क्या है, वो चाइना अपना क्या है 9 डॉटेड लाइन बना रखा है। तो इनका जो 9 डॉटेड लाइन के चक्कर क्या होता है, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इनका EEZ क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी ये हेम्पर करता है कि नहीं ये हमारा, मेरा साउथ चाइना सी मेरा है। तो ये 9 में खींच देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो अब यहाँ के जो फिशरमैन होंगे उनके भी तो यहाँ पे जो मतलब इस चाइना तो फिशरमैन है, तो यहाँ पे भी कुछ तो खाने की जो आमदनी तो करनी होगी ना, वो भी मतलब कुछ ना कुछ अपनी फिश पकड़ के खाना खाएंगे, कुछ पकड़ेंगे और एक तरह का व्यापार करेंगे। तो चाइना के क्या उनको धमकी देता रहा वहाँ पे ना कि ये सब कुछ हमारा इलाका है। तो इसने US जो यूनाइटेड स्टेट, उसने क्रिटिसाइज़ किया है कि चाइना के जो मिलिट्री एक्सरसाइज, एक तो साउथ चाइना सी में उसको क्रिटिसाइज़ किया है, और जो चाइना का जो ये क्लेम है कि सारी टेरिटरी मेरी है, उसको भी उसने यूएसए ने मतलब अभी कंडेम किया है। अभी कंसर्न क्या है कि नेबरिंग कंट्रीज EEZ, अब क्या चाइना क्या है साउथ चाइना सी में इतना बढ़ गया है कि जो इनके ई जो 200 नोटिकल माइल है उसको भी मतलब ये देख नहीं रहा है कि नहीं, सारा सारा चाइना सी में रहे। तो इसे एक देश पे एकदम गलत, छोटे छोटे देश हैं उन पर मतलब एक तरह का हथियाना चाह रहा है उनको। और ऑलरेडी चाइना से ये चाइना पहले पर कर भी चुका है, जो ये पार्सल आइलैंड है ठीक है, ये वियतनाम का था, तो उसको 1974 में वो पहले ही फोर्सली बाई फोर्स उसको सीज कर चुका था, पहले ही उसने वियतनाम से हथियार लिया था। और 2012 में कि वहाँ पे एक मिलिट्री स्टेशन भी बना दिया यहाँ पे मिलिट्री स्टेशन। अब EEZ क्या होता है कि जैसे चाइना का EEZ यहाँ था ठीक है, यहाँ 200 नॉटिकल माइल था, अब चाइना यहाँ क्या, एक तो आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, ये इस पे रख लिया, तो अब EEZ इसका चाइना का फैल जाएगा क्या, अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल हो गया, यहाँ से 200 नॉटिकल हो गया। तो इस तरह चाइना क्या है अपना जो इस पूरे साउथ चाइना सी में एक तो ऑलरेडी कुछ पे हथियार रखा है इन्होंने, और दूसरे क्या आर्टिफिशियल आइलैंड बना के अपना EEZ बढ़ता जा रहा है, और बोला ऐसे जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना के क्या कर रहा है कि ये सारा साउथ चाइना सी मेरा है। तो ऐसा चीज़ें नहीं होता है। तो अभी इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है वो यहाँ पे आके अपनी नेवी लाके खड़ी कर दी थी कि तुम्हारे बाप का नहीं है सबका है साउथ चाइना सी, ये बात हुई थी। तो अभी की चाइना क्या है लगातार क्या है अपनी जो यूजेज द ये लिमिटेशन नहीं है ठीक है, जो अंडरमाइन कर रहा है जो सोवरेन राइट्स है साउथर्न ईस्टर्न कंट्रीज के, कोस्टल स्टेट है, जो साउथर्न ईस्टर्न जो स्टेट है इनको जो 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 कोस्टल स्टेट है EEZ को भी अंडरमाइन कर रहा है, मतलब उनको कोई कुछ भाव ही नहीं दे रहा है कि सब कुछ मेरा है। तो ये आप देख सकते हो चाइना और उसके वियतनाम के भी टेंशन है, चाइना जो साउथ जो ईस्टर्न जो साउथ ईस्ट नेशंस है उनकी जो अभी जो एशियन कंट्रीज को सम्मिलित होना, तो वियतनाम ने भी चाइना को मतलब हथियार दिया कि यहाँ पे सारे जो यूनाइटेड नेशंस जो ट्रीटी है ओशियन के उसके अनुसार काम चलेगा, चाइना का दबदबा नहीं चलेगा। तो ऑलरेडी चाइना और वियतनाम में टेंशन है, तो उसी के बीच में भी अमेरिका कूद के आ गया है कि यहाँ पे मैं जो फिशरमैन है वियतनाम के, तो ये अच्छी बात भी है, कूद के आने की बात नहीं है, अच्छी बात भी है कि एक बड़ा देश होगा, एक दूसरे का अगर एक दूसरा देश हो जाए तो दूसरे छोटे देश को अगर दबाते थोड़ी रहना चाहेगा। अब चाइना थोड़ा सा यहाँ पावरफुल हो गया तो क्या वियतनाम देश है, जो छोटे देश हो गए ये फिलीपींस हो गया, तो क्या इनकी कोई सॉवरेंटी नहीं रही। तो एक जो तो बड़ा देश है उसको एक चीज़ें करनी भी चाहिए, और दूसरा UN का सबसे पहले काम होता है, UN को उनको देखना चाहिए। तो क्या तो इसको USA आ गया कि यहाँ के जो ये धमकी दे रहा है ये नहीं चलेगी अभी, तो इसके साथ एक MOU साइन कर लिया कि मैं इनकी जो जो भी इनका जो क्या बोलते हैं एरिया है इनको मैं सिक्योर करूंगा।
नेक्स्ट न्यूज है नेपाल अगेंस्ट चाइना। अब दूसरी भी टेरिटरी डिस्प्यूट चल रही है कि नेपाल, अब देखो एक तो देश होता है बड़ा, एक तो आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, जैसे चाइना हो गया वो छोटे देशों में दबदबा डाल रहा है, और एक शांतिपूर्ण देश होता है इंडिया, अब उसको एक छोटा सा देश नेपाल वो भी मतलब उसको टेन टांग है, तो आप ये होता है कि शांतिप्रिय देश कौन है, एक भारत कितना बड़ा देश और नेपाल छोटा सा देश है वो उसकी टेरिटरी पे क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो आप शांतिप्रियता देख सकते हो कौन सा देश शांतिप्रिय है। तो एक एक सबक सीखने की बात है दुनिया के सामने कि एक भारत जो पूरा साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश है उसका नेपाल जो एक लैंडलॉक कंट्री है पहली बात, और जिसका आधा सबसे ज़्यादा व्यापार इंडिया से होते हुए गुजरता है, मतलब समुद्र में जाना है कोलकाता होते हुए, तो वो आज भारत की सरकार टेरिटरी डिस्प्यूट कर रहा है, तो आप भारत के चाइना से ऐसे भी क्लेम कर सकते हो कि मतलब शांतिप्रिय देश कौन सा है। तो अभी क्या होता कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और उसने क्या है जो भारत की ये टेरिटरी है उस पर अपना कह रहा है कि ये मेरा हिस्सा है, ये नेपाल ये बोल रहा है, तो ये कब आया, और अभी क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो नया पॉलिटिकल जो मैप बनाया है वो भी यूनाइटेड स्टेट और गूगल को देगा। अब गूगल में क्या होगा देने से, गूगल क्या करता है कि आज आप यहाँ इंडिया में हो तो आपको क्या है भारत का जो नक्शा है ना पूरा वो ऐसे दिखा देगा ऊपर से ना जो पूरा है वो दिखाएगा, अगर आप पाकिस्तान में जाओ ये तो भारत का नक्शा पूरा नहीं दिखा के, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ऊपर से ये पाकिस्तान में दिखा देगा, इधर अक्षय चिन्ह चीन में दिखा देगा और इंडिया में पूरा दिखाएगा, तो जगह जगह के हिसाब से उसका नक्शा बदलता रहता है। तो अगर ये नेपाल उसको ये टेरिटरी जो अपना नया मैप भेजेगा तो गूगल क्या करेगा, ये इतना तो एरिया भारत में दिखाएगा और ये एरिया क्या है ऊपर वाला अभी नेपाल में दिखाना शुरू कर देगा, तो ऐसा चीज़ें होता है गूगल में भी। तो अभी ये बताया दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था जिसमें लिपुले कालापानी और लिम्पिया द्वारा अपनी टेरिटरी मतलब साबित कर दी, जिससे टेंशन बढ़ गई। अब ये हुआ कैसे क्यों हुआ, ये अपना है पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का उसमें स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने 80 किलोमीटर लॉन्ग जो एक स्ट्रेटेजिक थी ठीक है क्रूशियल रोड कनेक्टिंग थी लिपुलेख पास और धारोसुला उत्तराखंड में उसको इनॉग्रेट किया था, तो अब ये नेपाल को मिसली लग गई, और उसमें कोई नेपाल की मिसली लगने की बात नहीं है, सारा चाइना का किया धरा काम है, और नेपाल को पता नहीं है कुछ दिनों के बाद में चाइना उसकी टेरिटरी सीज करने लग जाएगा, हर देशों में भी चाइना यही ऐसा ही करता है। तो ये अगर आपको हमें खुद इतने एक देश होना है सोवरेन राइट होना आप हमें खुद की सोच समझ भी होनी चाहिए, इंडिया ने तो कभी क्लेम नहीं किया कुछ नहीं किया, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो अभी ये थोड़ा ट्रेड डिस्प्यूट क्या है अभी इंडिया और नेपाल का, ट्रेड डिस्प्यूट नहीं बायलेटरल रिलेशन अभी थोड़ा टेंशन में है, तो ये थोड़ा टेरिटरी वगैरह याद रख लेना, टेरिटरी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मुझे थोड़ा चीज़ें ना मुझे डाउटफुल लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करना समझी, कि अभी बॉयलर ब्लास्ट हुआ सूरत जो शुगर फैक्ट्री थी नागपुर में उसमें 5 बंदे मारे गए, तो ये बॉयलर ब्लास्ट की जैसी न्यूज़ आई तो मेरे को मुझे थोड़ा सा पुराना क्या चीज़ दिमाग में मतलब टेंशन होने लगी, कि एक खंगालने लगा दिमाग की ये क्या चीज़ें हैं ना, तो उससे पहले कुछ दिनों पहले देखा था एक केमिकल फैक्ट्री जो दहेज गुजरात में थी 4 जून को वहाँ पे बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, ठीक है एक वीजा गैस लीक हुई थी बॉयलर ब्लास्ट हुआ था तमिलनाडु में, उससे बॉयलर ब्लास्ट हुआ था नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन प्लांट तमिलनाडु में, और आसाम ऑयल फायर बंजरांग में वहाँ आग लगी थी, तो ये बस आपके साथ शेयर करने के लिए लगी थी कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें क्या है कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का भी हाथ हो सकता है क्या, मतलब एक चीज़ें पूछने के लिए हो गई और सभी से पूछा सकता है, क्योंकि आपने देखा अभी हमारा इंडिया और जो चाइना का रिलेशन ख़राब हो रखा है, इंडिया और पाकिस्तान का भी रिलेशन ख़राब चल रहा है, इंडिया और नेपाल रिलेशन भी ख़राब कर रहा है उस साइड से, चारों तरफ से मतलब रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, और चाइना का एक बड़ा हाथ हो सकता है, मैं ये भी यही कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि आपने देखा ईरान और अमेरिका का अभी क्या है कि रिश्ते ख़राब चल रहे थे, तो वहाँ पे क्या साइबर अटैक हुए थे ठीक है, और साइबर अटैक हुए थे ना तो वहाँ पे क्या जो 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 एटम जो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था, ब्लास्ट हो गया था उसमें साइबर अटैक होने की फॉर्म, तो यहाँ पे साइबर अटैक नहीं अगर दूसरा भी मतलब किसी तरह तो हाथ हो ही सकता है, तो ऐसे नॉर्मल ये थोड़ा सा लगातार ये केस आए थे पहले, जैसे एक बार केस हुए थे सारी बहुत सारी ट्रेन ट्रेन डिरेल हो रही थी, ऐसी चीज़ें कभी कभी क्या न्यूज़ आने के बाद उनकी इंक्वायरी नहीं हुई है, तो ऐसे ही है थोड़ा सा आपको बताने के लिए ये चीज़ें जोड़ दी है। तो चलो आज का भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, सबसे पहले तो है इन ब्रिटिश इंडिया डबल गवर्नमेंट स्टार्टेड वाइड, मतलब डबल जो डबल गवर्नमेंट थी वो कौन से एक्ट के तहत स्टार्ट की गई थी और कौन से एक्ट के तहत खत्म की गई थी, तो ये क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ पावर ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन वो कौन से साल में हुआ था, कि ट्रांसफर ऑफ पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में कब गया था, एंड फर्स्ट वाइसर ऑफ ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट वाइसराय कौन थे, हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टेड एरियल सीडिंग प्रोग्राम इन विच एरिया, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट एरियल सीडिंग स्टार्टेड किया कौन सी एरिया में किया है, जो नटेश्वर था राजस्थान टेम्पल का जो एक आइडल था वो कौन सी स्टाइल में था, ठीक है जो रिकवर किया गया वो स्टाइल कौन सी थी, ठीक है नेक्स्ट न्यूज है नटेश ऑफ राजस्थान टेम्पल इज रिसेंटली कवर इज डिपिक्शन, मतलब किस चीज़ का डिपिक्शन था, मतलब कौन सी किस चीज़ की मूर्ति थी वो,
नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका साइन एमओयू, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने किसके साथ एमओयू साइन किया जो फिशरमैन अगेंस्ट चाइनीज इंटीमेशन है ना, इंटीडिमेशन। एंड पार्सल आइलैंड लोकेटेड इन विच एरिया, पार्सल आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, लिपू लेक, कालापानी लोकेटेड इन इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया, कालापानी और लिपू लेक कौन से इंडिया के कौन से स्टेट में स्थित है। एंड इंडियन टेरिटोरियल डिस्प्यूट ऑफ लिम्पिया दोरा विच नेशन, इंडिया की टेरिटोरियल डिस्प्यूट है लिम्पिया दोरा वो कौन से देश के साथ है। तो ये क्वेश्चन है, आप रिप्लाई जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skbincher.blogspot.com पे। लास्ट ऑफ द ब्लॉग आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो बेशक डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलेंगे।